नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में हलचल तेज हो गई है। हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों के करीब 1,00,000 जवान मोर्चा संभाले हुए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती देखी जा सकती है। कहीं कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए श्रीनगर और जम्मू में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों के ग्रुप में एक साथ बाहर निकलने पर रोक लग गई है, तो वहीं आम लोगों को बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। यहाँ ने कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जहाँ से निकलने का किसी जगह कोई रास्ता वगैरह हो। जहाँ पर भी देख रहे हैं डंडे बरसा रहे हैं और मार रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह वगैरह नहीं है जहाँ पर ने खुली रखी। हालांकि अगर कोई कह रहा है डॉक्टर के पास जाने के लिए तो और ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, या कोई पुलिस वाला है। अभी मेरे साथ एक दोस्त वगैरह पुलिस वाला था, उसने कार्ड भी निकाल कर दिखाया कि मैं पुलिस वाला हूँ, जा रहा हूँ ड्यूटी पर, तो उसको भी जाने नहीं दिया। संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में एक्शन शुरू हो गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब जम्मू कश्मीर के कई स्थानीय और दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया है। इनमें पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और इमरान अंसारी शामिल हैं। पहले से ही घर में नजरबंद महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तारी के बाद उनके घर से सरकारी गेस्ट हाउस ले जाया गया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को भी श्रीनगर के हरिनगर गेस्ट हाउस में ले जाया गया है, लेकिन यह सब एहतियात के तौर पर किया गया है। नहीं तो कम से कम श्रीनगर में सरकार के इस फैसले को लेकर कोई तनाव दिखाई नहीं दे रहा है। हम इस वक्त यहाँ पर जिस सड़क पर खड़े हैं, ये रास्ता सीधे लाल चौक की तरफ जाता है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़क पर बिल्कुल जो जनजीवन है सामान्य है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने और यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उन्होंने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया हुआ है। कई तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। यहाँ इस वक्त इंटरनेट और जो फ़ोन सुविधा है उसको बंद रखा गया है, लेकिन लगातार हम जम्मू कश्मीर में खासतौर पर वैली के अलग अलग लोकेशन पर जा रहे हैं और यहाँ अभी तक हमें किसी तरीके की ना तो प्रोटेस्ट देखने को मिला, ना ही किसी तरीके की हिंसा देखने को मिली। हमने कई लोगों से बात किया, लोग काफ़ी खुश दिखे और लोगों को लगता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वैसे जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद है। ये पहला मौका है जब घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के साथ लैंडलाइन सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में सुरक्षा बलों को अब सैटेलाइट फोन दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति को संभाला जा सके। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, लेकिन सरहद पार पड़ोसी पाकिस्तान में केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले के कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आज वहां संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद अब भारत की नजर कश्मीर के उस हिस्से पर होगी जो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। और पीओके अभी हमारे साथ आना चाहिए। ये गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना हुआ है, उन पहले ही वहाँ पर चली हुई है बात कि देखो जम्मू और कश्मीर का इलाका जो इतना डेवलप हो गया, तो आज ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और आने वाले समय में पीओके भारत का हिस्सा बनना चाहिए। इतना ही नहीं, विश्व बिरादरी में भी इस फैसले को लेकर भ्रम फैलाने की कवायद पड़ोसी देश ने शुरू कर दी है। हालांकि जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की जानकारी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को दे दी। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने P5 देशों चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य देशों के राजनयिकों से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं अमेरिका पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सभी पक्षों से LOC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारत की कार्रवाई उसका आंतरिक मामला है। हालांकि हम जम्मू कश्मीर में हिरासत की खबरों पर चिंतित हैं। हम लोगों के अधिकारों के सम्मान तथा प्रभावित समुदायों से चर्चा की अपील करते हैं। दरअसल विदेश सचिव विजय गोखले ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को मौजूदा गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और इस फैसले के पीछे की मंशा भी बताई। उन्हें बताया गया कि जो प्रस्ताव संसद में पेश किए गए हैं वो भारत का अंदरूनी मामला है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर में सुशासन, सामाजिक न्याय लाना और वहाँ आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।
जाहिर तौर पर भारत ने विश्व बिरादरी को पहले से ही भरोसे में ले रखा है ताकि पाकिस्तान के पैंतरे नाकाम साबित हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।